आज की कई अहम खबरें हैं देश और दुनिया की। सबसे पहली खबर भारत से है। यहाँ भारत में एक बहुत बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हुई है। रामनवमी के मौके पर एक मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ 36 लोगों की मौत की अभी तक जानकारी हासिल हुई है। और ये जो घटना हुई है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुई है 30 मार्च को, और इसमें अब तक मरने वालों की जो तादाद है वो 36 हो चुकी है। घटना पर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इन लोगों ने अपनी तरफ से दुख जताया और मरने वालों को जो राहत होती है, राहत के तहत कुछ रकम देने की भी घोषणा की है, जिसमें मरने वालों को 2-2 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय ने की है। ये वारदात कल हुई थी 30 तारीख को, और एक लापरवाही हुई थी। उस लापरवाही की वजह से मंदिर का जो बेलेश्वर महादेव मंदिर है, ये झूले लाल मंदिर में हवन के दौरान कन्या पूजन चल रहा था, इसी दौरान वहाँ एक बावड़ी मीन्स जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े कुएं होते हैं, बावड़ी कहलाते हैं, जिनसे पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया था और निकाला जाता है, उसकी छत धंस गई थी। वहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, जिसमें से 36 लोगों के लाशें अब तक शव वहाँ से बरामद किए जा चुके हैं। इस दौरान जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घायलों का हाल जानने के लिए वो अस्पताल भी एप्पल हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचे, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और दूसरे मंत्री वगैरह भी वहाँ पहुँचे। दूसरी खबर है, यहाँ पर भारत के 300 से ज़्यादा रिटायर्ड जजों ने भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू को खुला हुआ खत लिखा है, जिसमें उन्होंने किरण रिजिजू से मांग की है कि उन्होंने जो रिटायर्ड जज हैं उनको बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और उन्होंने एक टिप्पणी की थी और इनको एक गैंग बताया था, भारत विरोधी गैंग। चूँकि यह मुल्क में चल रहा है काफ़ी दिनों से, जब से ये CNRC का जो प्रोटेस्ट था हुआ था, उस वक्त से नाम रख दिए गए टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत विरोधी गैंग, और ये सारी जो करतूत हैं वो जो संघ से जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ से ख़ास तौर से होती हैं। और सोशल मीडिया पर जो भी कोई अपनी बात कहने की कोशिश करता है, आवाज़ उठाता है, उसको इन्हीं उपमाओं से नवाजते हैं ये लोग। किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं, किसी को भारत विरोधी गैंग बताते हैं, किसी को खालिस्तानी, किसी को कुछ और, ये चीज़ें हैं। तो जो किरण रिजिजू जो भारत के कानून मंत्री हैं, उन्होंने 300 से ज़्यादा उनके नाम 300 से ज़्यादा वकीलों ने खत लिखा है और उनसे मांग की है कि ये वो जिन्होंने उन्होंने बयान दिया था उसको वापस लें। एक घटना ये और है, ये गुजरात से है ये खबर। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शैक्षिक योग्यता है, जो उन्होंने तालीम हासिल एजुकेशन हासिल की है, उसकी उनकी डिग्री देखने के लिए एक रिट दायर की गई थी, जिसको गुजरात के हाई कोर्ट ने उस दिखाने के जो आदेश था उसको रद्द कर दिया कि नहीं दिखाई जाएगी। और इस पर केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। खबर कुछ इस तरह से, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। और इस पर जो पिटिशनर थे उनके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो उस सब्जेक्ट में किया है जो भारत में कम से कम नहीं है, और शायद पूरी दुनिया में जो जानकार हैं वो बताते हैं पूरी दुनिया में एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये स्पेसिफिक ये जो सब्जेक्ट है कहाँ से उनके लिए एक नया कोर्स शुरू किया गया, जिसमें मास्टर्स की डिग्री लेने वाले पूरी दुनिया में कम से कम पूरे भारत में वो अकेले व्यक्ति हैं जिनके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री है। और बताया जाता है कि उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री में जो फॉन्ट होता है, जो अक्षर होते हैं, वो शब्द कंप्यूटर से टाइप डिग्री है, और वो डिग्री
उस वक्त तक वो फॉन्ट भी जिस वक्त उन्होंने डिग्री हासिल की थी जिस ईयर में, उस साल में उन फॉन्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता था भारत के अंदर, जो उनकी जिस जिन फॉन्ट्स में उनकी डिग्री को टाइप किया गया है। वहीं एक बहुत गंभीर खबर है, और यह खबर है भारत में चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, साथ में राम नवरात्रि के जो व्रत होते हैं हिंदू समाज के, वो भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत साफ सी हो गई है कि माइनॉरिटीज़ को, जो भी हिंदुस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ हैं, उनको मेजोरिटी के रहमो करम पे जीना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि रामनवमी के दौरान जितने भी शहर हैं उनमें मुस्लिम्स चूँकि मीट का इस्तेमाल करते हैं, मांस खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो गोश्त की बिक्री पर रोक है। और रोक इस तरह से है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, दिल्ली और NCR के इलाकों में जा करके मुस्लिम इलाकों में पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस को साथ में लेकर के मुस्लिम दुकानदारों को हिदायत कर रहे हैं कि आप मांस नहीं बेचेंगे, क्योंकि हिंदू समाज में शायद यही मानते हैं लोग कि वो मांस नहीं खाते हैं, इसलिए मांस की बिक्री नहीं होगी और यह एक अपवित्र चीज़ है, जबकि मांस खाने वालों में सभी समाज के लोग शामिल हैं। अब चूंकि मुसलमानों का रमज़ान का महीना और मुसलमान मांस को खाते हैं, गोश्त को खाते हैं, चाहे वो कोरमे में इस्तेमाल करें, चाहे कीमा बना करके इस्तेमाल करें, चाहे बिरयानी में बनाए, या कबाब वगैरह जो भी डिशेज बनती हैं, तो इन नवरात्रि के 9 दिन में ये चीज़ें पावन कर दी गई हैं। और रामनवमी के मौके पर जिस तरह की हिंसा वारदातें पूरे देश से देखने को मिली हैं, वो हैरान करने वाली हैं। और हैरानी की बात इसलिए शायद नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हर साल का एक अमल बन चुका है कि रामनवमी के मौके पर उपद्रवी भीड़ हाथों में तलवार, फरसे, भाले, त्रिशूल, मशाले लेकर के और सरों से अपना जो भगवा उनका कपड़ा होता है, कपड़ा बांध करके और चीख पुकार करते हुए, नारे लगाते हुए ऐसे इलाकों से गुजरते हैं जो मुस्लिम आबादी होती है, और वहाँ जा कर के कुछ ज़्यादा ही शोर करते हैं। हर साल तकरीबन ऐसा ही सीन देखने को मिलता है रामनवमी के मौके पर। और कई घटनाएं जो वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, हम अपने इस रिपोर्ट के आखिर में उनको दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे मथुरा की मस्जिद के ऊपर चढ़ करके वो केसरिया झंडा अपना फहरा रहे हैं मस्जिद के ऊपर, और सैकड़ों की तादाद में भीड़ बाहर खड़े होकर के जिनके हाथों में हथियार हैं, खतरनाक हथियार हैं, इन हथियारों पर पाबंदी है। अगर बाई चांस इसको कोई भी मुस्लिम आदमी कहीं भी पूरे देश में लेकर के एक भी चीज़ उनमें से अगर मिल जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी उसी वक्त हो जाएगी। एक छोटा सा चाकू लेकर के भी कोई मिलता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये जो लोग हैं, जो भगवाधारी लोग हैं, संघ के लोग हैं, सारी चीज़ें इनके अपने कंट्रोल में है, कानून इनके कंट्रोल में, व्यवस्था इनके कंट्रोल में है, देश इनके कंट्रोल में है, सब कुछ इनके अपने हाथ में है, इसलिए इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अब इस तरह की रैलियां जब निकाली जाती हैं तो उसमें कोई कानून का एक तौर तरीके भी होते हैं और कानूनी तौर पर भी वहाँ व्यवस्था बंदोबस्त होते हैं। तो ये लोग किस तरह से मस्जिदों पर चढ़ करके हमले कर देते हैं, मस्जिदों के सामने जा करके इतनी बुरी तरह से शोर शराबा करते हैं, ये अपने आप में अलग बात है। मथुरा के साथ साथ गुजरात के कई शहरों में वारदातें हुई हैं, वहीं बंगाल बिहार से भी खबरें हैं। तो इनमें अब तक जो वारदात हुई है उसमें एक रिपोर्ट आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक 22 लोग इसमें घायल हुए हैं और हिंसा में 74 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कहाँ कहाँ ये हिंसा भड़की है? पश्चिम बंगाल में रामनवमी का जो जुलूस निकला था, वहाँ उपद्रवियों ने इतना ज़ोरदार हंगामा किया है, और जो साहब बोलते थे टेलीविजन पे कि उपद्रवियों को, दंगाइयों को उनके कपड़े देख करके पहचान लिया जाता है, तो अब वो कपड़े देख करके इन दंगाइयों को पहचाने कि ये कौन लोग हैं, उनको ख़ास तौर से देखना चाहिए। जो दंगाई चैनल पर वीडियोज़ उनके आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ हैं, जो आग लगा रहे हैं सरकारी संपत्ति को, प्राइवेट संपत्ति को, लोगों की दुकानों को, मकानों को, तो उन साहब को जो बोलते थे कि दंगाइयों को पहचान लिया था उनके कपड़ों से, तो उनको देख करके पहचानना चाहिए ये कौन लोग हैं। या पश्चिम बंगाल में
दर्जनों मकानों को, दुकानों को और सरकारी संपत्तियों को आग लगाई गई है। पुलिस के वाहनों को तोड़ दिया गया है। 30 से ज़्यादा लोगों को यहाँ हिरासत में लिया गया है। पत्थरबाजी की घटनाएं हावड़ा से लेकर के दूसरी जगहों तक हुई हैं। गुजरात में जो वडोदरा शहर है, वहाँ पर जुलूस निकाले गए मस्जिदों के सामने, और मस्जिदों के सामने बहुत बुरी तरह से उपद्रव किया, घर में घुस कर के लोगों के साथ मारपीट की। कई महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जो अपने चोट के निशान दिखा रही हैं। महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। उन लोगों ने जो उपद्रवी थे, दंगाई थे, बलवाई थे, और हम कहेंगे बिल्कुल सीधे सीधे दहशतगर्द आतंकवादी लोग हैं, क्योंकि इनका ये कानून को नहीं मानते हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है किसी तरह का, और इनका अपना ही कानून है। वो इनकी तलवारें, भाले, त्रिशूल वगैरह जो इनके हाथ में है, बस उसी वही कानून है इनके लिए। तो इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर भी खूब उपद्रव किया, कर्नाटक में इन्होंने वो हंगामे किए हैं, बवाल किए हैं। तो देश भर से इस तरह की खबरें कई सारे शहरों से हासिल हो रही हैं, जहाँ रामनवमी के मौके पर, जो कि एक पवित्र त्यौहार है, पवित्र मौका है, जिसमें इबादत करते हैं लोग और शांति से अमन के साथ व्रत रखते हैं, उस दौरान इस तरह के जो जुलूस निकाले जाते हैं और फिर उसमें ऑब्जर्व किया जाता है, हिंसा की जाती है और दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर हमले किए जाते हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इससे देश का जो माहौल है वो ख़राब होने के अलावा कोई और दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद, जब से भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार आई है, 1200 साल की गुलामी के बाद, जो अशोक सिंघल ने बोला था, तो ये 1200 साल के बाद जो राष्ट्रवादी सरकार बनी है भारत के अंदर, उस दौरान ये इस तरह की वारदातें बढ़ी हैं। और अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ जो क्राइम है, उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अखलाक से जो शुरुआत हुई थी, वो अब हरियाणा में जो अभी जाहिद और जुनैद को जला करके मारा गया है, वहाँ तक पहुँच चुकी है, और रामनवमी के मौके पर जो वारदातें देखने को मिल रही हैं, यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो अभी ये थमने का कोई इनमें गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो मज़हब का एक जुनून है, वो सवार है लोगों के ऊपर, और ये जुनून आसानी से, मज़हबी जुनून आसानी से नहीं उतरा करते हैं किसी के भी, उस वक्त तक जब तक कानून इनके खिलाफ काम नहीं करता है। अगर इनको पकड़ पकड़ के इनको सजाएं दी जाएं, तो इनके अंदर के जो कीटाणु हैं वो ठंडे हो सकते हैं, वरना फिर ये इसी तरह से घूमेंगे और हाथों में तलवारें लेकर के, और अभी तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये घरों में घुसेंगे, लोगों को कत्ल करेंगे और तमाम चीज़ें होंगी। तो इनसे बचने के लिए हम एक देश को मतलब कि जो आग है उसमें जलते हुए देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक जो मुल्क है वो पूरी तबाही की तरफ जा रहा है, और इन पर फिर हम कहेंगे कि कानून अगर सही से काम नहीं करेगा, कानूनी तौर पर इनको सजाएं नहीं होंगी, तो इनको नहीं रोका जा सकता किसी भी सूरत में। अब कानून किस तरह से काम करता है कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए थे पिछले साल रामनवमी में, जबकि मुसलमान प्रोटेक्ट कर रहे थे खुद अपने आप को, जो बलवाइयों ने हमले किए थे, दंगे किए थे, वहाँ उन्होंने खुद अपने आप को बचाने के लिए जो पत्थर वगैरह फेंके, तो उनके ही घरों को तोड़ दिया गया था। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हासिल हुए थे, और भी जगहों पर हम देखते हैं कि जैसे ही मुसलमान का कोई मामला आता है तो वहाँ बुलडोज़र से कार्रवाई हो जाती है, उनके घरों को तहस नहस कर दिया जाता है। लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों को, नुपुर शर्मा से लेकर के कपिल शर्मा तक, और जो गोली मारो सालों को वाले थे वहाँ से लेकर के आगे तक, जो लोग हैं वो आराम से घूमते फिरते हैं, मज़े लेते हैं, उनको सरकार में पोजीशन मिलती है, मिनिस्ट्री मिलती है, और जो आतंकवादी मामलों के आरोपी लोग हैं वो संसद को सुशोभित करते हैं, वहाँ बैठते हैं जा कर के, जिनके ऊपर देश में तमाम दर्जनों जगहों पर आतंकवादी वारदात करने के आरोप लगे हुए हैं और उनके मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। जब कानून में इस तरह की लिबर्टी हो और लोगों को इस तरह से आज़ादी मिलती हो, तो वहाँ फिर चीज़ें दुरुस्त नहीं रहती, और जहाँ जिस देश में भी, जिस समाज में भी कानून का राज नहीं रहता, वहाँ फिर जंगल राज कायम हुआ करते हैं।
ये हमेशा ख्याल रखें, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीसी यंग न्यूज़। शुक्रिया आपका। भाई तो जय श्री राम।